यहाँ रांची हमारे सेंटर स्टडी प्लानेट में नए बैचेस JSSC, PGT, TGT, कॉमर्स के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं PGT कॉमर्स, PGT इकोनॉमिक्स, TGT कॉमर्स, TGT इकोनॉमिक्स और उसके अलावा भी, ठीक है, और सारे बैचेस के लिए, तो ये स्पेशल चार्ज, ठीक है, जो कि आपको टीचर्स डे के लिए स्पेशल चार्जेस जो हैं, बिल्कुल रिड्यूस चार्जेस जो हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ बोर्ड पे जो कि डिस्प्लेड है। और ये ऑफर सिर्फ 11 सितंबर 2022 तक वैलिड है। तो अभी आप इस कम रेट पे एडमिशन ले सकते हैं और सारी फैसिलिटीज़ हमारे सेंटर्स की अवेल कर सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के चार्जेस जो हैं वो आपको मेंशन है, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स और भी सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन है ना कि आप ये स्पेशल चार्जेस तभी अवेल कर पाएंगे जब आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए, अगर आप मानिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको उसके पेपर वन के लिए भी एडमिशन साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। और याद रखिए ये ऑफर सिर्फ 11 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है, जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। अगर आप रांची के नहीं हैं, झारखंड के नहीं, कहीं बाहर के, आप वहाँ से क्लासेस करें तो आप हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक और स्कैन कोड अभी अगले स्लाइड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस में जुड़ के अगर आप क्लास करेंगे ना तो आपको फील मिलेगी कि आप एक्चुअली क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है उस ऐप में फीचर है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके टीचर से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास में इंटरैक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्सेस में रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है उसको ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी आपकी क्लास अगर किसी वजह से मिस हो गई, किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। 40 सेट्स ऑफ फुल मॉक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर क्लास के बाद जो भी टॉपिक क्लास में डील किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको हर क्लास में दिए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और क्लास नोट्स, PDF नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये और बाकी सारे रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी, JTET, CTET के लिए भी हमारे यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, जिसके ये चार्जेस हैं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज नागपुरी है या संथाली है या और जो भी रीजनल लैंग्वेज आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सेंटर का नंबर भी डिस्प्ले में है, ठीक है, आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी और क्वेरी है क्लासेस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, प्राइस या रेट से रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारा ऐप भी है, स्टडी प्लानेट का ऐप है, आप उसको इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके क्लास नोट्स हैं, या जैसे बोला लाइव क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप अनम्यूट करके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको मिलेंगे, आपको जब भी डाउट है आप वो लेक्चर्स जो है दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लिंक भी है, इससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए, ठीक है, कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आप ये QR कोड स्कैन करेंगे या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी प्लानेट रांची, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वो डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था जो डील कर रहे थे, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है PGT का, उसमें सारी चीज़ों को तो ऐसे प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, पर इसमें एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब है कि आपको ये पूरी एक्ट पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने पिछले क्वेश्चंस आपके जो भी एग्जाम में है उसका भी जो एनालिसिस किया है, तो क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि किसी स्पेसिफिक पार्ट से ही पूछ रहा है, तो वो पार्ट करें और बाकी छोड़ दें। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ है, एक कंसिस्टेंसी है जो मैंने देखी, ऑब्जर्व की है, कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो या तो सेक्शन से पूछे गए हैं कि ये पर्टिकुलर किस सेक्शन में है, या तो जो इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं उससे पूछा गया है, ठीक है। ज़्यादातर लाइक 85-90% क्वेश्चंस जो हैं वो या तो सेक्शन से हैं या तो फिर इससे है कि कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है, मानिए कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स उसका डेफिनेशन है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन है, तो उस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास में लास्ट में 15 मिनट्स MCQ आपको हम क्लास में डिस्कस करवाएंगे। और ये हम अभी बोलना चाह रहे थे कि आप लोग एक अलग कॉपी बना लीजिए MCQ के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक सिलेबस एंड होगा ना तो आपके पास बहुत सारे MCQ जो है वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक अलग कॉपी रहेगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी जैसे ये है ना, तो इससे कम से कम हम आपको 35-40 MCQs करवाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ही सिर्फ, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इतने सारे MCQ हम लोग करें ना कि ऑलमोस्ट जितने सेक्शन है और जितने डेफिनेशन है वो MCQ में कवर हो जाए, क्योंकि ये 100 पेजेस की एक्ट आपके लिए पढ़ना और रटना
पॉसिबल नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारा सिलेबस और भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग और हर एक टॉपिक से उतने ही एमसीक्यू हम लोग क्लास में करेंगे अब से लास्ट के 15 to 20 मिनट्स। तो एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू लिखते जाइए, तो समझ लीजिए आपकी एक बुक हो जाएगी ये एमसीक्यूज की, जब तक सिलेबस एंड होगा तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए अभी आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ऑनलाइन क्लास में कौन कौन है? आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको कोई तो बनाता होगा, कोई तो एक्सेप्ट करता होगा, ठीक है। जैसे प्रॉमिसरी नोट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितनी पार्टीज होती हैं उसमें, दो। कौन कौन? ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, कौन कौन? ड्रॉअरी मेकर होता है, ठीक है। ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा और पे जिसको पैसा मिलेगा, ठीक है। और चेक में तो नॉर्मल दो लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको क्या राइट्स दिए गए हैं, उनको क्या कैपेसिटी दी गई है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो आज हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसमें लिखेंगे और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है ये सब एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, ठीक है। तो उसमें कोई माइनर हो सकता है कभी 18 साल से कम, तो माइनर को लेके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो, यानी कि दिवालिया हो गया हो। इंसॉल्वेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी नहीं रहे, मानिए कि हम अभी मेरी एज बहुत कम है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या हम इंसॉल्वेंट है? जो अपने डेट्स को चुका नहीं पाए, उधार को, थर्ड पार्टी का जो उधार है ना, वो बोल दे कि भाई हम तो सरेंडर करते हैं, मेरे पास नहीं है, सारी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी, फिर जब ऐसा हो जाता है तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाती है, कोर्ट ऑर्डर करता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। खैर अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो उसके लिए क्या नियम है, ठीक है। अगर कोई जिसको बोलते हैं ना कि जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, पागल बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ये नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी जो एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं है जो इंसान, ठीक है, उसके लिए क्या इसमें नियम है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाद में पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो तो माइनर था, तो अब क्या करें, ठीक है। तो ये अब हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं कि क्या कैपेसिटी है पार्टीज की, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे पहले हम लोग कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहले लिखेंगे जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? जहाँ पे भी कोई भी सेक्शन आए उसको तुरंत अंडरलाइन करिए, जहाँ पे भी कोई भी सेक्शन आए, क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सवाल हम देख रहे हैं सेक्शन से ही हैं आप में, ठीक है। चलिए लिखिए द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। अभी इसका क्या मतलब है वो देखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें पढ़े कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकते, मतलब अगर कोई माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोली कि माइनर, अभी इंडिया के लॉ के हिसाब से जो 18 साल से कम है वो माइनर है, और एक चीज़ और लिखी हुई थी कि एज जो भी होगी माइनर है या मेजर है वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंट्री, क्योंकि वो शायद ऊपर नीचे होते रहता है, तो वो चीज़। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली स्टेबल लोग नहीं है। और तीसरा वो पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो टाइम टू टाइम अगर ऐसा कोई नया लॉ आ गया, ठीक है, जो आपको बोला कि नहीं भाई आप तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं कर सकते, जो कि आते जाते रहता है, तो वो चीज़, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी के लोग जो हैं वो डिसक्वालिफाइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एक टर्म यूज़ होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वॉइड मतलब इनवैलिड, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कोई नहीं मानेगा, कोई कोर्ट, कोई लॉ, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज अभी आगे लिखेंगे। सेक्शन 26 लेज डाउन द रूल, ठीक है। सेक्शन 26 लेज डाउन द रूल। कौन सा रूल ले डाउन करता है? इन कनेक्शन विद द कैपेसिटी, इन कनेक्शन विद द कैपेसिटी टू मेक, ड्रॉ एक्सेट्रा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक है, तो सेक्शन 26 जो है इसका, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 26, कैपेसिटी टू मेक एंड ड्रॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। सेक्शन 26 क्या बताता है, ऐसे ऑप्शन क्या रहता है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे लिखेंगे, द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द कैपेसिटी, रिगार्डिंग द इनकैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं, द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द इनकैपेसिटी ऑफ सर्टेन पर्संस इन कनेक्शन विथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। एक एक करके सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन डिटेल माइनर के बारे में, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जनरल केसेस में, स्पेशल केसेस में, तो क्या होगा, कौन कौन से रूल आएंगे, प्लस माइनर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के कौन से सेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें लिखिए पहले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, every person in India shall attain majority when he has completed the age of 18 years and not before। ठीक है, आप सेमी कॉलन देखिए, लिखिएगा इन टू स्पेशल केसेस वेयर द गार्डियन ऑफ अ माइनर पर्सन एंड प्रॉपर्टी हैज बीन appointed by the court under the guardian and wards 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 act 1980 under the guardian and wards act 1980 or where a minor is under the guardianship of a court or where the minor is under the guardianship of a court a minor shall attain majority when he has completed the age of 21 years and not before 21 years and not before। तो नॉर्मल जो जनरल केसेस है उसमें यही है कि आप 18 साल के जब होते हैं उससे ऊपर तब आप मेजर माने जाएंगे, मतलब तब आप माइनॉरिटी के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, टू स्पेशल केसेस। पहला है, वेयर अ गार्जियन ऑफ माइनर्स पर्सन एंड प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय कोर्ट अंडर, मतलब देख बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मानिए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, डेथ हो गई है, ठीक है, और बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ऐसा है, ठीक है, तो कोर्ट जो है उनकी जिम्मेदारी ले लेता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो भी एक ट्रस्टी, और किसी को अपॉइंट कर देता है एज अ ट्रस्टी,
आप जब तक ये मतलब नहीं हो जाता है तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटी आप पूरी करिएगा इसके बिहाफ पे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस केस में ऐसा होता है, तो तब बोला जाएगा कि वो बंदा जो भी है वो पर्सन, तब उसको मेजर की कैटेगरी में डाला जाएगा जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, ऐसा अगर है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, या पेरेंट्स की डेथ हो गई है, कोई और गार्जियन है उससे रिलेटेड, ठीक है, तब जो एज होगी दैट विल बी, दैट विल बी 21 ईयर्स, 21 ईयर्स में होगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन तो बन सकता है कि ठीक है कितनी एज में आप बोलेंगे कि माइनर जो है वो नहीं है, 18 साल, लेकिन ऐसा कोई सवाल घुमा फिरा के दिया है कि देयर इज मिस्टर एक्स, ठीक है, हिज पेरेंट्स डाइड इतना ईयर्स बिफोर, ठीक है, एंड द कोर्ट हैज अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज हिज गार्डियन, ठीक है, तो वो कितने ईयर्स में आपको लगता है कि वो ही विल बी एबल टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस तरह से सवाल अगर घुमा के पूछा जाता है तो दैट विल बी 21 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि इस तरह से सवाल मैंने देखा है आपके इसमें। जैसे नॉर्मल जो हम लोग पिछले क्लास भी कर रहे थे ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी डेट कब आएगी, उसमें भी एक एक वर्ड से उसका क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज हो जा रहा था कि बिल एट साइट है, ठीक है, या बिल ऑन डिमांड है, तो ये चीज़ ध्यान देना है लॉ में और एक्ट में, ठीक है, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। आगे लिखिए सेक्शन 26 ऑफ, सेक्शन 26 ऑफ, अमित आपको भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा चैट बॉक्स में आपको तुरंत डाउट रेस करना है, ठीक है। सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट लेज डाउन दैट अ माइनर में ड्रॉ एंडोर्स, ड्रॉ एंडोर्स कॉमा डिलीवर ड्रॉ एंडोर्स डिलीवर एंड नेगोशिएट एंड नेगोशिएट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल द पार्टीज, सो एज टू बाइंड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अ माइनर कैन ड्रॉ एंडोर्स डिलीवर नेगोशिएबल एंड नेगोशिएट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ, क्या मतलब है, मतलब जब आप इंडिया पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़े होंगे क्लास 12th में, ठीक है, उसमें भी ये थोड़ा सा माइनर के बारे में आया था, उसमें क्या था कि माइनर एक पार्टनर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट होगा, मतलब अगर लॉस होगा तो वो माइनर बेयर नहीं करेगा, ठीक है, इसमें भी वही है, ठीक है, कि कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं लेगा, वो मेंबर हो सकता है, मतलब मानिए हम लोग 4 लोग कर रहे हैं और मानिए कि गुंजन माइनर है उसमें 17 साल की, ठीक है, तो ये उसकी रहेंगी, सब फायदा लेंगी, लेकिन अगर जहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी इनकर करने की बात आएगी, कोई दायित्व आ गया, तो वो सिर्फ हम लोग शेयर करेंगे, ये शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। चलिए इसमें आगे लिखिए इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट A minor can be a party to a negotiable instrument but he does not incur any personal liability He cannot incur any personal liability, ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता है ना कि negotiable instrument जो भी है उसके payment में या delivery में या कुछ में भी कोई ऐसा issue आ जाता है और हम वो कोई जो party है अगली जिसके लिए हम लोगों ने मिलकर negotiable instrument बनाया वो बोलती है कि अब केस करेंगे तुम लोगों, तो हम लोग तीनों पे केस हो सकता है लेकिन इन पे नहीं हो सकता है क्योंकि ये minor है, ठीक है, तो ये चीज़ है।
आगे लिखेंगे, ये पहला था माइनर का। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उनको लेके क्या रूल्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आगे लिखिए, अभी पहले इसमें डेफिनेशन होगा कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में आता कौन कौन है, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या पर्सन कौन से। इन एडिशन टू माइनर, ठीक है, ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो किस सेंस में सही नहीं है वो लिखेंगे। इन एडिशन टू माइनर कॉमा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड is not competent, is not competent to make valid negotiable instruments, to make valid negotiable instruments to incur any liability upon them, to incur any liability upon them। स्टॉप, आगे लिखेंगे सेक्शन 12, सेक्शन 12 सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट, लेज डाउन दैट a person is said to be of sound mind, a person is said to be of sound mind for the purpose of making contracts, for the purpose of making contracts if at the time he makes it, if at the time he makes it, if at the time he makes it, फिर ऐसे करेंगे और नंबर वन लिखेंगे। तो इसमें अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन नहीं है क्योंकि वो कैटेगरी बहुत बड़ी है कि अनसाउंड माइंड में कौन कौन आ सकता है। तो बात को ईजी करने के लिए इसमें साउंड माइंड का पर्सन कौन है उसका डेफिनेशन दे दिया। अब जो भी इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता वो सब अनसाउंड माइंड में आएगा, ठीक है। He is capable of understanding it. He is capable of understanding it. And then number two.